अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि आपके गर्भ में महाराज बाहु की संतान पल रही है और गर्भवती स्त्री आत्महत्या का पाप नहीं कर सकती। क्या? हाँ महारानी करुणामयी, यह सत्य है। यह सत्य है कि आप इक्ष्वाकु वंश को एक संतान देने वाली है। यह सत्य है कि आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। ऋषिवर, आपने ऐसा समाचार दिया है जिसे पूर्वजों की आत्माओं को, विशेषकर महाराज की आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी, किंतु मुझे इस बात का सदैव दुख रहेगा कि महाराज अपने इस आने वाले पुत्र का मुख नहीं देख सके। महारानी, अब आप चिता से उतर जाइए और 9 मास तक अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कीजिए और महाराज की अंतिम विधि पूर्ण होने दीजिए। महाराज क्षमा कीजिए, मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ रहा है, परंतु आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही होगी कि आपका उत्तराधिकारी आ रहा है, आपकी वंश परंपरा आगे बढ़ रही है। मैं इस पुत्र को जन्म दूंगी, आपके स्वप्न साकार होंगे। कर्तव्य पूरा कीजिए। कैसे ना होता, ये देखिए शर्करा लाई हूँ, इसमें एक विशेष प्रकार का विष है, इसके खाने से महारानी करुणामय की संतान उनके गर्भ में ही नष्ट हो जाएगी, किंतु इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। बस करो दीदी, बस करो, जो होना था सो हो गया, इतना विलाप करना होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ मिष्ठान बना के लाई हूँ। तुम सब मुझसे कितना स्नेह करती हो, जब से पुत्र प्राप्ति का समाचार मिला है तब से तुम लोग मेरा कुछ अधिक ही ध्यान रखने लगे हो। क्यों नहीं, आप हमारी बड़ी बहन के समान हैं, और फिर इक्ष्वाकु वंश के लिए आप उत्तराधिकारी जो देने वाली हैं। लीजिए ना दीदी, लीजिए मिष्ठान, खाइए।
अद्भुत मिष्ठान है दीदी, बड़ा स्वादिष्ट है। रुकिए महारानी रुकिए। कौन है, कौन पुकार रहा है? कोई नहीं दीदी, आपको भ्रम हो रहा है, अब खाइए। मैं भी दीदी को खिलाऊंगी। हाँ हाँ खिलाओ, मेरे हाथ से भी खाओ दीदी, तुम भी खिलाओ, तुम सब खिलाओ। रुकिए महारानी रुकिए। ऋषि और वो? प्रणाम ऋषिवर। महारानी करुणामयी, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं ऋषि और वो? आपकी ये 11 सौतने जो आपको बड़ी बहन कहती हैं, आपको एक ऐसा विष खिला चुकी हैं, जिसके कारण आपकी होने वाली संतान आपकी कोख में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। नहीं, नहीं। संबंध से तो ये सब इस होने वाले पुत्र की माताएं हैं, ये नहीं हो सकता। नहीं महारानी करुणामयी, इनका हृदय पाषाण का है, नारी के नाम पर कलंक है ये सब। ऋषिवर, अब आप कुछ भी कर लीजिए, किंतु हमारी योजना तो सफल हो चुकी है। महारानी करुणामयी की संतान अब जन्म नहीं ले सकती। बंद करो ये प्रलाप, मूर्ख स्त्रियों, मत भूलो कि तुम्हारे समक्ष और ऋषि खड़े हैं, और मैं ऐसा अनर्थ कदापि नहीं होने दूंगा। अनर्थ तो हो चुका है ऋषिवर। नहीं, मैंने आजीवन आदि शक्ति की आराधना की है, मैं उन्हें पुकारूंगा। हे आदि शक्ति, हे मां शक्ति, हे भुवनेश्वरी देवी, यदि मैंने शुद्ध मन से संपूर्ण निष्ठा के साथ आपकी आराधना की है, तो आप इस शिक्षा को वंश के उत्तराधिकारी की रक्षा कीजिए। मां रक्षा कीजिए। चिंता ना करें, इस बालक पर विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये बालक जब जन्म लेगा तो सारा का सारा विष इसके शरीर से लिपटा हुआ होगा। ये बालक विष के साथ जन्म लेगा, इसलिए सगर कहलाएगा। महारानी करुणामयी, आपके बालक की रक्षा तो हो गई, अब आप बताइए कि इन दुष्ट आत्माओं को मैं क्या दंड दूं? ऋषिवर हमें क्षमा कीजिए। क्षमा? और तुम सबको, जो अपनी बहन की भांति तुम्हें स्नेह करती रही, जिसका पति तुम सबका भी पति था, और तुमने उसी की संतान की हत्या का प्रयत्न किया, तुम्हारा यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। हे ऋषिवर, मेरी संतान की रक्षा तो हो गई, आप इन्हें कोई दंड देना उचित नहीं होगा। मेरी विनती है आपसे, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। ठीक है महारानी करुणामयी, आपकी विनती के कारण मैं इन सबको क्षमा करता हूँ, पर आज से आप मेरे आश्रम में रहेंगे। जी ऋषिवर, जो आज्ञा। और इन सबको मैं ईश्वर और प्रकृति के न्याय पर छोड़ता हूं। चलिए मारा आई आई। और इस प्रकार महाराज सगर का जन्म हुआ।
उनका पूरा शरीर विष में लिपटा हुआ था, किंतु माता आदिशक्ति की कृपा से उनके प्राणों की रक्षा हुई। पुत्र, तुम्हारे पूर्वज महाराज सगर की जन्म कथा बहुत रोमांचक है। महाराज सगर बालपन से ही बड़े साहसी और वीर थे। उन्होंने किशोर अवस्था में ही अपने सारे शत्रुओं को पराजित करके अयोध्या पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। उन्हें महाराज सगर के ये 60,000 पुत्र हैं, जो कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए। उन्हीं के उद्धार के लिए आप मेरे साथ चल रही हैं। पुत्र, जिस निमित्त तुम मुझे ले जा रहे हो, तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। तुम्हारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार अवश्य होगा। आइए माँ। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भवा। हे पिताश्री, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। माताश्री देवी गंगा के शाप से मुक्त हो गई। वे अब ब्रह्मलोक पधार रहे हैं। आइए देवी, आपके यहां से जाने से ब्रह्मलोक सूना हो गया था, ज्ञान और कला का प्रसार रुक गया था। महादेवी, यदि शाप की घटना ना घटी होती तो संसार को आपके दिए गए ज्ञान तथा वरदान कला से इतने दिनों तक वंचित न रहना पड़ता। किंतु देवी, कभी कभी शाप वरदान से धो जाता है तो कभी कभी शाप शाप ही रहता है। आपने देवी गंगा को जो शाप दिया वो धरती वासियों के लिए तो वरदान सिद्ध हुआ, किंतु देवी गंगा ने आपको जो शाप दिया वो सारी सृष्टि के लिए शाप ही सिद्ध हुआ। आप सत्य कहते हैं आदि प्रजापति, पृथ्वी पर जाने के पश्चात ही मुझे इसका ज्ञान हुआ कि संसार में कितना अधिक अज्ञान फैला हुआ है, कितनी अधिक अशिक्षा है। हे आदि प्रजापति, अब मुझे अपने ज्ञान के प्रसार की गति को अधिक तीव्र करना पड़ेगा। मुक्ति के लिए मैंने जो संकल्प लिया था अब वो पूरा हुआ। माता पार्वती, भगवान भोले शंकर तथा ब्रह्मा जी की कृपा से माता गंगा यहां तक आ पहुंची है। पुत्र भगीरथ, तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण हमें मोक्ष प्राप्त हो रहा है, हमें मुक्ति मिल रही है। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। हे पतित पावनी, आपके समक्ष जो ये असंख्य राग के ढेर पड़े हैं वो कपिल ऋषि के शाप से भस्म हुए मेरे पूर्वज हैं। इनके अकाल मृत्यु के कारण ही मुझे आपको यहां तक लाने का कष्ट देना पड़ा। हे माता, अब इनका उद्धार कीजिए, इनका उद्धार कीजिए माता। पुत्र भगीरथ, अपने कल्याण के लिए तो हर व्यक्ति प्रयास करता है, किंतु दूसरों के कल्याण के लिए जो प्रयास करता है वो राजर्षि भगीरथ कहलाता है। इसके पश्चात अब संसार मुझे भी भगीरथी के नाम से जानेगा। पुत्र, अब तुम्हारा नाम ही मेरी पहचान बनेगा। तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारे पूर्वजों को सद्गति प्रदान करती हूँ।
सागर में बदल गई। हाँ महादेवी, भगवान शिव की जटा की एक लट से जो छोटी सी गंगा की जलधारा निकली वो लोक कल्याण के कारण विशाल होती गई और गंगा सागर कहलाई। हाँ महादेवी, सत्य वचन। संसार देवी गंगा की घटना को जिस भी रूप में देखे किंतु उसकी वास्तविकता मैंने देखी है। मुझे तो मुनि कपिल के क्रोध में आपकी शक्ति के दर्शन हुए। हाँ महादेवी, कपिल का शाप भी मैं ही हूं, गंगा का अवतरण भी मेरी ही इच्छा से हुआ है। मैं पराशक्ति हूं, आदि शक्ति हूं, ब्रह्म की शक्ति हूं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस भी मेरी ही शक्ति से हुआ था। सती बनकर मैंने ही आत्मदाह किया था और संसार में पुत्री के प्रति पिता के अन्याय को चुनौती दी थी। हिमालय में तपस्या के समय जिस पार्वती से हिम की शीतलता भी पराजित हो गई थी वो मेरी शक्ति थी। तारकासुर का वध 7 माह के बालक कार्तिकेय ने किया था वो मैं थी, केवल मैं। दानवी शक्तियों के विनाश के लिए महिषासुर मर्दिनी बनकर दुर्गा के रूप में मैंने अवतार लिया। काली बनकर मैंने ही चंडमुंड का नाश किया। नारी शक्ति, नारी की मर्यादा जब जब संकट में पड़ी है मैं अवतार लेती हूँ। हे महादेव।